नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना के 56 में से 35 विधायक आला कमान से असंतुष्ट, पूर्व सीएम राणे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना के 56 में से 35 विधायक पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी राज्य की सत्ता में लौटेंगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार का किसानों की कर्ज माफी का वादा खोखला है, क्योंकि इसके लागू होने की कोई समय सीमा नहीं है। इन लोगों ने सरकार बनाने में 5 हफ्ते लगा दिए थे, इससे पता लगा सकते हैं कि ये सरकार कितने दिन चलाएंगे। जेपी नड्डा होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 19 जनवरी को होगा चुनाव। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की चर्चा है। 19 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। जानकारी के मुताबिक जब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा इनका चुनाव हुआ, तभी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि भविष्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान जेपी नड्डा इनको सौंपी जाएंगी। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। आने वाली 19 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने की खबर है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के बाद वारिसदार कौन? धनंजय मुंडे। नवनियुक्त सामाजिक न्याय और विशेष सहायक मंत्री और बीड के पालक मंत्री धनंजय मुंडे ये शुक्रवार को परड़ी में मंत्री पद मिलने के बाद पहली बार आए थे। इस समय पत्रकारों से संवाद करते हुए उनसे पूछा गया कि भाजपा के ज्येष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे इनका वारिसदार कौन? ऐसा सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा, गोपीनाथ मुंडे जी का वारिसदार का हक लेकर मैं राजनीति की राह पर चल रहा हूँ। एनसीपी नेता शरद पवार इनके मार्गदर्शन के नीचे बीड जिले और परड़ी मतदार संघ का विकास करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है और इसे मैं जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।